Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wala ahlihi wa sahabihi ajmain amma baad. Aap tamam bachon ka aur saath saath mein badon ka bhi istiqbal hai hamare program Colors of Islam mein. Hum aaj ibada series ke andar ek bahut 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 ahem mauzu dekhne wale hain aur wo hai tauba. Tauba. Tauba ka matlab kya hai? माफी मांगना. माफी मांगना किससे? अल्लाह से. अल्लाह से माफी मांगना. तौबा का मतलब क्या है? अल्लाह से माफी मांगना. अर्रुजू मिन अज़्ज़म, गुनाहों से वापस लौटना. आपको पता है हमें जाना है सिरात मुस्तकीम पर. सिरात मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता. सीधा रास्ता कहाँ जाएगा? जन्नत. जन्नत. सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम कहाँ ले जाएगा हमें? जन्नत. बहुत सारे लोग सीधे रास्ते से भटक जाते हैं, दूसरे रास्तों पर चले जाते हैं। दूसरे रास्ते पर जाने का मतलब क्या है? जानुम जाने. हाँ, लेकिन करते क्या है वो लोग? बुरी चीज करते, यानी कि गुनाह करते हैं. और पता है आपको गुनाह का क्या है मामला? जब एक गुनाह करते हैं ना, तो दूसरा गुनाह करता है. तो दिल चाहता है दूसरा भी गुनाह करे. ये बॉल आपके लिए, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, लेकिन हमने पास रखी. तो एक गुनाह करते हैं तो दिल चाहता है और गुनाह करे, और एक किए तो और पता है आपको कैसा है ये? जैसे मान लो कि गाड़ी अगर नीचे की तरफ आ जाए ना, ऐसे क्या होता है? एक के बाद दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, आखिर में जाकर नीचे जहन्नम की आग में पहुंच जाते हैं. हाँ, जहन्नम की आग बहुत बुरी जगह है और जन्नत सबसे बेहतरीन जगह है. जन्नत कब जाएंगे? सीधे रास्ते पर जाएंगे. तो ये जो गाड़ी सही रास्ते से भटक करके नीचे आ जाती है, उसको सही रास्ते पे कैसे लाएंगे? सीधे रास्ते. कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? आपको पता है कैसे लाएंगे? उसी चीज को कहते हैं तौबा. सही रास्ते पर रिटर्न आ जाना. सही रास्ते पर नीचे नीचे नहीं जाना, उल्टा टर्न मार के सीधे रास्ते पे चले आना. ओके. और ये चीज आज हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे. और बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसी वजह से गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं. गलत गलत काम जिंदगी भर करते हैं, उसी पे जाके खात्मा पाते हैं, उसी में जाके मर जाते हैं. गलत काम करते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं? डेट हो जाते हैं. आपको क्या चीज करते हुए मरना है? अच्छे काम के बुरे काम? अच्छे. सिरात मुस्तकीम पे मरना है कि बुरे रास्ते पर? सिरात मुस्तकीम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. गुनाह से तौबा कैसे करते हैं? उसके कई स्टेजेस है, कई सारे स्टेजेस है. जैसे रोड के ऊपर साइन होती है, इतने किलोमीटर बाकी है, आपने देखा है? हाँ. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है फीलिंग सैड, कि कोई गुनाह किया ना और बहुत खुश हो रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो ये तौबा किया. तौबा है. तौबा में सैड फील करते हैं कि हैप्पी फील करते हैं? तौबा का मतलब क्या है? कोई गुनाह कर रहा है ना, वो नीचे जा रहा है ना, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है ना, तो हैप्पी होना चाहिए, सैड होना चाहिए उसको. लेकिन गुनाह करने वाले लोग कैसा करते हैं? हैप्पी होके करते हैं. तो तौबा है ये. तौबा देखो, आपको पता होना चाहिए कोई चीज है नकली तौबा और कोई चीज है असली तौबा. कोई चीज है सिंसियर तौबा और कोई चीज है असली तौबा. कोई चीज है इनसिंसियर यानी कि झूठी तौबा, यानी कि सिर्फ नकली. उनको लगता है तौबा किए लेकिन असल में तौबा नहीं किए. देखो, एक होता है कि इंसान सही रास्ते से भटक गया और सही रास्ते पे वापस आना है. हाँ, तो कैसे आना है? उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं. सीधे रास्ते पे आना है. कैसे आना है? तो हम देखते हैं. फर्स्ट, यस, हमें सही रास्ते पे वापस आना है. रुजू, वापस आना है. कैसे आना है? जब रिटर्न जाना है. लेकिन ये रियल गाड़ी नहीं है, ये तो जिंदगी है. जिंदगी के अंदर क्या होता है? एक इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं. सही रास्ता आता है और गलत रास्ता आता है. सही रास्ते में सही चीज करना है, गलत रास्ते गलत चीज होती है. अब गलत अगर कुछ हो गया तो सही रास्ते पे वापस कैसे आए? उसे क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं. गलत चीज अगर कोई गुनाह है, गुनाह की मिसाल दो आप लोग. गुनाह की मिसाल दो. जैसे झूठ बोलना. झूठ बोलना गुनाह है. और बोलो. नमाज नहीं पढ़ना गुनाह है. रोजा नहीं रखना गुनाह है. सैड करना, अम्मी को सैड करना, अम्मी अब्बा का दिल दुखाना गुनाह है. हाँ, चोरी करना गुनाह है. ये सब गुनाह है ना. अम्मी को मारना, औजुबिल्लाह, अम्मी अब्बा को मारना, परेशान करना गुनाह है ना. आप किसी ने कोई गुनाह किया तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फीलिंग सैड. अगर आपने सैड नहीं फील किया ना, तो आप तौबा तक नहीं पहुंच सकते.
तौबा पहुंचेंगे तो गुनाह माफ हो जाता है, मालूम है आपको, यू टर्न हो जाता है, सही रास्ते पे आदमी आ जाता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन अज़्ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लह, कि जो गुनाहों से तौबा करे ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं। अगर आप यहां तक पहुंच गए सिंसियर तौबा, सही तौबा तक, हाँ, तो ऐसा है जैसे कि आपने गुनाह किया ही नहीं, वाइप आउट हो जाता है। वाइप आउट, गुनाह क्या होता है, वाइप आउट हो जाता है। अत्ताइबु मिन अज़्ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लह, गुनाहों से तौबा करना ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो अगर पहुंचना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फीलिंग सैड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नदमु तौबा, अन्नदमु तौबा, गम ही तो तौबा है। क्या कहा, गम ही तो तौबा है। अगर गम ही नहीं महसूस हुआ, आपने झूठ बोला, आपको बुरा लगा, अगर बुरा ही नहीं लगा तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई फेल हो गया तो 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो 10th स्टैंडर्ड तक कहां से पहुंचने वाले, हां, फर्स्ट स्टेप पे ही गिर गए तो ऊपर वाले 10th स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो गए। हां, तो ये हदीस में क्या है, अनदमु तौबा, मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि गम ही तो तौबा है। चलो याद कर लेते हैं। अच्छा, गुनाह किससे होते हैं, बुरे बुरे लोगों से होते हैं कि अच्छे लोगों से भी होते हैं, बुरे बुरे अच्छे से, अच्छे बुरे से होते हैं कि अच्छे से होते हैं, बोलो, दोनों से। अच्छे लोग गुनाह करते हैं अच्छे, बुरे लोग गुनाह करते हैं, अच्छे लोग भी गुनाह करते हैं, अच्छे लोग भी करते हैं, नहीं बुरे लोग करते हैं, बुरे लोग करते हैं। कौन करता है गुनाह मालूम है, सिर्फ बुरे लोग करते हैं ना, अच्छे लोग एक भी गुनाह नहीं करते, करते करते नहीं करते। नबी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल इब्नि आदम खता, सारे आदम की औलाद से खता, मिस्टेक, गलती होती है। व खैरुल खताईन तवाबून, खता करने वालों में, गुनाह करने वालों में सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो तौबा करते हैं, जो तौबा, अच्छे लोगों से भी मिस्टेक होती है लेकिन अच्छे लोग तौबा करते हैं, बुरे लोग तौबा नहीं करते। अच्छे लोग ज्यादा गुनाह में जमे नहीं रहते, अगर हो गया गुनाह तो गुनाह को छोड़ करके तौबा करते हैं। अच्छे लोग बुरे रास्ते पे जाकर जहन्नम की आग में नहीं पहुंचते, वो जन्नत जाएंगे क्योंकि वो तौबा करते हैं। अच्छे लोगों से मिस्टेक होती है, होती है, इंसान है वो भी, आदम की औलाद। मालूम है आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, मालूम है आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में अल्लाह ताला ने कहां रखा था उन्हें, जन्नत में रखा था, और क्या कहा था, ये पेड़ का फल नहीं खाना। फिर उनसे मिस्टेक हुई कि नहीं हुई, हुई, और फिर क्या हुआ, उन्होंने गुनाह से तौबा किए कि नहीं किए, अल्लाह से माफी मांगे कि नहीं मांगे, मांगे। तो आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि मिस्टेक हो गई तो क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और शैतान इबलीस ने क्या किया, इबलीस ने भी गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन उसके बाद में घमंड किया, घमंड, घमंड वाले में तकब्बुर, घमंड, अपने आप को बहुत बड़ा समझा, अना खैरु मिन्हु, मैं आदम से अच्छा हूँ। तो गुनाह करके घमंड करना चाहिए कि अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। अत्ताइबु मिन अज़्ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं। हदीस इब्न माजा में सही सनद से है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फीलिंग सैड। अगर सैड ही नहीं फील कर रहे हैं तो तौबा करने का चांस है, no. कोई है ना चोरी करके बहुत हैप्पी है, कोई झूठ बोल के बहुत हैप्पी है, कोई अम्मी अब्बा को ट्रबल करके बहुत हैप्पी है, तो तौबा कर रहा है वो, फर्स्ट स्टेप क्या है, फीलिंग sad. अच्छा मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बोले तौबा 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 तौबा, ऐसा करते देखा कभी, तौबा तौबा, लेकिन दिल में कुछ फील हो रहा है, हाँ ये गाल को पीटना ये नहीं सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ कुछ लोग जोर से भी मारते हैं, तौबा कर रहा हूं मैं, नहीं लेकिन ये नहीं करने सिखाया हमें, ये जो सिखाया हम लोग देखने वाले हैं, हाँ? तो फर्स्ट है फीलिंग सैड, सेकंड है गुनाह अगर किए तो तौबा कब करेंगे, इमीडिएटली, फौरन करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। कई लोग क्या बोलते हैं कि गुनाह हो गया अभी मैं रमजान में तौबा करूंगा, रमजान आने वाली है तो रमजान अच्छा टाइम है कि नहीं है, अच्छा टाइम, तो रमजान में तौबा करना चाहिए क्या, अभी करना चाहिए, अभी करना चाहिए, रमजान में करना चाहिए, गुनाह किए अभी तो बिल्कुल सही जवाब, हाँ गुनाह अभी किए तो तौबा रमजान में, क्यों रमजान में क्यों नहीं करेंगे, अच्छा आपने दोनों टाइम कहा था, क्या मतलब दोनों टाइम का मतलब, अगर रमजान में गुनाह किए तो रमजान में तौबा करेंगे,
अगर अभी गुनाह किए रमजान के बगैर तो अभी तौबा करेंगे। अच्छा, जो लोग बोलते हैं हम लोग रमजान में तौबा करेंगे तो इसमें क्या गलत है? और कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं मैं जुम्मा के दिन तौबा करूंगा, जुम्मा के दिन। हाँ, जुम्मा का दिन का दिन जो है क्यों, लेकिन जुम्मा के दिन अच्छा दिन है कि नहीं है? अच्छा दिन है। हाँ, रमजान अच्छा महीना है कि नहीं है? तो रमजान में कहेंगे तब तक गुनाह करते हैं और जुम्मा तक है ना गुनाह करेगा आदमी, फिर बोले जुम्मा को मैं तौबा करूंगा। तो सही है गलत है? गलत है। क्यों, क्या गलत है इसमें? आप में से जो सही जवाब देगा ना, हाँ, क्यों जुम्मा तक क्यों वेट नहीं करना चाहिए? क्यों, क्यों? जो सही जवाब देगा उसको ये दो पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर, सब कुछ मिलने वाला है जो सही जवाब देगा। क्यों? तो तभी करना चाहिए। क्यों, क्यों, क्यों? टाइम लेंगे तो फरिश्ते देंगे जब तक लिख लेंगे। हाँ, तो बोले रमजान में तौबा करूंगा माफ हो जाएगा। सही है आइडिया, गलत आइडिया है? गलत। क्यों गलत है? क्यों लोग गलत काम करते हैं? क्या गलत बात है, कौन बताएगा क्या गलत है? मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? कभी गलती हो गई तो उसको माफी मांगे। हाँ, लेकिन रमजान में उसी दिन, उसी दिन या उसी वक्त, उसी वक्त जितना जल्दी हो उतना अच्छा। क्यों? चलो अभी ये वापस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि अगर ये शख्स है इसने गुनाह किया मंडे को, अब वो बोले मैं जुम्मा के दिन तौबा करूंगा, लेकिन ट्यूसडे को अगर इसकी डेथ हो गई तो तौबा किए बगैर गया अल्लाह के पास कि नहीं, तो गुनाह उसके पास है कि नहीं है? है। तौबा करते हैं तो गुनाह क्या होता है? इरेजर से हम लोग क्या करते हैं? माफ करते हैं। तो तौबा से क्या होता है वो गुनाह माफ हो जाता है। तो इसका गुनाह माफ हुआ नहीं हुआ? क्योंकि फ्राइडे करने वाला था या रमजान में करने वाला था, उससे पहले हो गया इंतकाल। अच्छा, डेथ कब होने वाली मालूम होता है हमें? मालूम होता है कि नहीं मालूम होता है? नहीं मालूम होता है हमें, किसी को नहीं मालूम है। तो के फर्स्ट पॉइंट क्या था? फीलिंग सैड। सेकंड क्या है? इमीडिएटली। थर्ड चीज, गुनाह को स्टॉप करो, स्टॉप। तुम गुनाह कर रहे हो और बोले अल्लाह माफ करे, गुनाह कर रहे हैं। हाँ, आपका पेंसिल बॉक्स, आपकी पेंसिल है ये, और कोई ले ले बोले के अल्लाह माफ करे। हाँ, ओके। और कोई है जो गलत काम करते करते कहे अल्लाह माफ करे, तो सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फीलिंग सैड भी नहीं किया, बोले सैड फील कर रहा हूँ मैं, बहुत सैड फील कर रहा हूँ, लेकिन वो गुनाह करते करते। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रियली फीलिंग सैड वो नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये रिजर्व आपके लिए, दो हो गए। ओके, तो पेंसिल आपके लिए। तो हम क्या देखते हैं कि स्टॉप द सिन, गुनाह को रोको। हाँ, फोर्थ पॉइंट इस्तिग़फ़ार, वो है अल्लाह से माफी मांगना। अल्लाह से माफी मांगना, गुनाह कौन माफ करेगा? अल्लाह। अब्बा माफ करेंगे? नहीं। आपके अब्बा माफ करेंगे? नहीं। हाँ, आपके टीचर माफ करेंगे गुनाह? जाओ बेटा मैंने माफ किया। हाँ, टीचर माफ करेंगे आपने कोई गुनाह किया? नहीं। तो कौन माफ करेगा? अल्लाह। अल्लाह ताला माफ करेंगे। हाँ, तो माफी किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से मांगना चाहिए। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन गुनाह को माफ करता है सिवाय अल्लाह के। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह ताला से माफी मांगना कि अल्लाह मैंने गुनाह किया, आपकी नमाज मिस हो गई। हाँ, तो आप किससे माफी मांगेंगे? अल्लाह से माफी मांगेंगे। आपने कभी कोई गलत चीज करी? हाँ, जैसे अल्लाह ताला ने कई चीजें मना की है, तो हमें क्या करना चाहिए? फ़स्तग़फ़रुल्लाह, अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए। माफी मांगेंगे? Yes. कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अल्लाह के सामने अपने आप को छोटा नहीं बनाते। सही है गलत है? गलत। गलत है। तो अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाना चाहिए। हाँ, आदम अलैहि सलाम ने क्या किया? अपने आप को छोटा बनाया, अल्लाह से माफी मांगी, और शैतान ने माफी नहीं मांगी। और गुनाह का इरादा करे कि मैं फिर से नहीं जाऊंगा, वलम युसिरु अला मा फालु वहुम यालमून, जानते हुए वो काम मैं फिर से नहीं करूंगा, ऐसा इरादा करें तो क्या कहेंगे? अभी मैं गुनाह से तौबा करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीक फिर से करूंगा गुनाह, फिर से तौबा कर लूंगा, फिर से गुनाह करूंगा, फिर से तौबा कर लूंगा। ये सही है? गलत। क्या गलत है इसमें? कि बार बार तौबा करेगा
इज ही फीलिंग सैड, इज ही फीलिंग सैड? नहीं. तो अगर कोई बोलता है कि मैं अभी गुनाह किया, अभी तौबा करता हूँ, फिर से गुनाह करूंगा, फिर से तौबा कर लूंगा, फिर से फिल्म देखूंगा, फिर से तौबा कर लूंगा, फिर से गलत काम करूंगा, फिर से तौबा कर लूंगा. सही गलत है? गलत. क्या गलत है इसमें बोलिए? सिंसियर नहीं है वो. शायद अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सूरह तहरीम में है, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला के लिए एक सिंसियर तौबा करो, मुखलिस तौबा करो. तौबतन नसूहा मतलब दिल से होनी चाहिए तौबा तुम्हारी, सिर्फ दिखाने के लिए होनी चाहिए? हाँ, तौबा किसको दिखाने के लिए करना चाहिए? अल्लाह. किसके लिए? अल्लाह. किसके लिए? कौन गुनाह माफ करेगा? अल्लाह. अच्छा, जो फरिश्ते लिख रहे हैं ना रिकॉर्ड्स, एक फरिश्ता राइट साइड पे लिख रहा है, एक फरिश्ता लेफ्ट साइड पे गुनाह लिख रहा है, तो ये सब जो रिकॉर्ड्स है किसके सामने जाएंगे? कयामत के दिन अल्लाह के सामने. हम किसके सामने खड़े होंगे? अल्लाह. किसने हमें बनाया? क्या हम उसके पास वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे. क्या जिंदगी में हम ऐसे ही आए एंजॉय करने आए? नहीं, हम अल्लाह के पास जाएंगे. ये दुनिया की जिंदगी क्या है? इम्तिहान है, टेस्ट है, एग्जाम है. सबको जिंदा होना है, चाहे कोई माने या नहीं माने, सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं. और ये गुनाह है जो हमारे पास अगर तौबा नहीं है तो वो गुनाह का बोझ होगा. वो गुनाह को मिटाने के लिए क्या है? तौबा. इरेजर है पेंसिल के मार्क्स मिटाने के लिए, तौबा है गुनाहों को मिटाने के लिए. नेक्स्ट चीज, अगर किसी का कोई हक लिए तो हक लौटाना चाहिए. जैसे मान लो आपकी पेंसिल है, अब अगर कोई आपकी पेंसिल ले ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे, फीलिंग सैड, यस, हाँ ही इज फीलिंग सैड, मैंने गलत किया आपकी पेंसिल लेकर, इमीडिएटली पेंसिल लिया फौरन, अल्लाह अल्लाह माफ कर दे, हाँ गुनाह छोड़ देना, फिर से नहीं करूंगा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह माफ कर दे, आगे नहीं करूंगा ये फिर से. लेकिन आपकी पेंसिल किसके पास है? उनके पास है. तो इज ही फीलिंग सैड इन रियलिटी? नहीं. मतलब जो हक है वो लौटाना चाहिए. आपकी पेंसिल है, लौटा दो. तो कई लोग क्या है ना, चोरी करते हैं और चोरी करके बोलते हैं अल्लाह माफ करे. हाँ, अरे चोरी आपने की तो अल्लाह माफ करे कहो, लेकिन जिसकी पेंसिल है, जिसकी चोरी की, उसको भी लौटाओ. मान लो मिसाल के तौर पे आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने बैट से बॉल को मारे और बॉल जाकर के किसी का कांच टूट गया, तो किसने तोड़ा? आपने तोड़े. तो अभी क्या करना चाहिए? फीलिंग सैड. हाँ, बोले अल्लाह माफ कर दे मुझे. हाँ, लेकिन जिनका ग्लास टूट गया वो अंकल का क्या होगा, वो आंटी का क्या होगा? लॉस. उनका लॉस हुआ. तो आपको क्या करना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए. सॉरी टूट गया जाके बोलना चाहिए. और अगर वो कहे कि नहीं, तो आपके पास अगर पैसे जमा है जाकर के उसे पेमेंट करना चाहिए. क्योंकि नहीं करेंगे तो कयामत के दिन वो आएंगे अंकल या आंटी, आके आपके नेकियों में से लेके जाएंगे. तो इसी वजह से किसी का हक है तो वापस लौटाना चाहिए. और एक लास्ट चीज हमें करना चाहिए, वो ये कि आप जब गुनाह करते हैं ना, अगर गुनाह करते हैं ना तो सॉरी बोलना चाहिए. हक लिए तो वापस, किसी को गाली दिए तो उसको सॉरी बोलेंगे, माफ कर दो मुझे. क्योंकि अगर माफी नहीं किए तो कल कयामत के दिन वो आएंगे. लेकिन एक और चीज है, अच्छे अच्छे काम करना. अच्छे अच्छे काम करना, आप कुरान में देखेंगे, कुरान में अल्लाह ताला ने जहां तौबा का जिक्र किया, वसलहू कहा कि तौबा करते हैं और अच्छे काम करते हैं. अच्छा, तौबा करते हैं तो दिल में कैसा लगता है? आदमी के दिल में घमंड आता है या दिल अच्छा होता है, साफ होता है? तभी तो तभी क्या करना चाहिए, नेकी में आगे बढ़ना चाहिए, और नमाज पढ़ना चाहिए, और अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, और सदका देना चाहिए, और अच्छे काम करना चाहिए. तो हमें अच्छे काम में आगे बढ़ना चाहिए. तो ये हुई सिंसियर तौबा. अब हम क्विकली एक गेम खेलेंगे. ये गेम में आपके पास होंगी 5 कार्ड्स. समझ लीजिए, ये 5 कार्ड्स जैसे कि आपके 5 गुनाह है. हाँ, ये गुनाहों में आपको क्या करना है, सिंसियर तौबा तक पहुंचना है. अगर आप सब स्टेज पार करेंगे तो तौबा तक, तो आप सक्सेसफुल हुए. अगर आपकी गाड़ी बीच में ही रुक गई तो आपका पॉइंट सक्सेसफुल नहीं हुआ. ये हम लोग इस स्टेजेस को याद करने के लिए कर रहे हैं. हाँ, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी है सिर्फ एक गेम है, लेकिन गेम इसलिए है ताकि हम ये स्टेजेस को याद कर लें और समझ लें इंशाल्लाह. स्टार्ट करते हैं. हमारे फर्स्ट प्लेयर हैं खंसा. खंसा के पास है 5 कार्ड्स. स्टार्ट. आपको क्या करना है, कहां पहुंचाना है? तौबा तक पहुंचाना है. बीच में रुक गई तो
अगर फीलिंग सैड हुआ इमीडिएटली किए, लेकिन ये सब स्टेज नहीं पार किए, तो आपकी तौबा कंप्लीट नहीं हुई। तो आपको उसे कहां तक पहुंचाना है? वहां तक। अच्छी तरह से कोशिश करिए। स्टार्ट करेंगे, चलिए फर्स्ट कार। और ये स्टॉप द सिन 3 तक रुक गई, नो प्रॉब्लम। सेकंड, ये माशाल्लाह आपकी सिंसियर तौबा तक पहुंच गई, सब सातों स्टेज पार करके ये यहीं पे रुक गई, नो प्रॉब्लम। और ये यहां से ऑफ द ट्रैक हो गई, तो आपकी एक गाड़ी पहुंची अभी तक, नो प्रॉब्लम। आपकी पांच में से एक गाड़ी पहुंची। वैसे आप पीछे खींच के भी छोड़ सकते हैं, करो प्रैक्टिस। नहीं चल रही है। हमारे सेकंड प्लेयर जनीरा, भी आपकी पांच कार्स है, आपको कहां पहुंचाना है? सिंसियर तौबा के बोर्ड तक पहुंचाना है। सातों स्टेज पार करके आइए इधर आ जाइए। देखिए कार को आप पीछे खींच करके भी इस तरह से पहुंचा सकते हैं वहां तक, हाँ, बहुत आसानी से। स्टार्ट। ओ माशाल्लाह, फर्स्ट वाली तो पहुंच गई, नो प्रॉब्लम, आपको एक पॉइंट मिल चुका है। एक गाड़ी ने दूसरे को रोक दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, लेकिन ट्राई करो, चलो ट्राई करो, सबके सब रुक गए एक की वजह से। लेकिन आपको एक पॉइंट मिला, आपको एक पॉइंट मिला, अब आप दोनों की कॉम्पिटिशन। हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं, इस गोल पोस्ट को यहाँ लेकर आते हैं। फाइव कार सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी पांच कार चाहिए? लीजिए और ये ले लेंगे, लीजिए। स्टार्ट। ये पहुंच गई, एक पहुंची आपकी अभी तक, दो पहुंच गई, लगता है विनर बनने वाले हैं आप, तीन पहुंच गई, वेरी गुड। अभी अब्दुल्ला की टर्न। और अब्दुल्ला का फर्स्ट वाला इस्तिग़फ़ार पे आके रुक गया, और सेकंड ने यू टर्न लगा दिया। तो अब हमें यू टर्न, और ये है पहुंच चुका है, वेरी गुड, वन पॉइंट मिल गया अब्दुल्ला, टू पॉइंट्स मिल गए अब्दुल्ला को, और तीन पॉइंट्स दोनों बॉयज को मिलते हैं। हम लोग ऐसा करेंगे कि दोनों गर्ल्स को और एक चांस देंगे। आप सिलेक्ट करिए अपनी गाड़ी। फर्स्ट वन पहुंच गई आपकी, वेरी गुड। और सेकंड ही पहुंच पाई, वो हो गई ऑफ द ट्रैक। थर्ड वापस आ गई आपकी रिटर्न। फोर्थ वन पहुंच गई, दो पॉइंट्स मिले हैं, और आपने भी इक्वल कर दिया बॉयज का रिकॉर्ड। अब आपकी टर्न, सिलेक्ट योर कार्स। स्टार्ट। नहीं पहुंच पाई, थोड़ा और ताकत लगाइए। सेकंड। ये भी ताकत उतनी नहीं थी। थर्ड में भी नहीं लगता, पिछला रिकॉर्ड ये हो गया, वन पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट मिला, नो प्रॉब्लम, आपने ट्राई किया। तो हमारे इस राउंड के तीन विनर्स हैं, खंसा है जिन्होंने तीन कार्स पहुंचाई, अयान है एंड अब्दुल्ला है। लेकिन ये तो थी छोटी सी गेम, आपने ट्राई किया तो इस वजह से आपको भी मिलना चाहिए, हाँ, और आप हमारे यंगेस्ट कंटेस्टेंट भी हैं। यस माशाल्लाह। लेकिन ये तो थी एक छोटी सी गेम, जिंदगी भर ये पॉइंट्स को याद रखना है। अगर गुनाह हो गया तो अनदमु तौबा, चलो रिपीट करेंगे, अनदमु तौबा, अनदमु तौबा, अनदमु तौबा, अनदमु तौबा, यानी गम ही तो तौबा है, गम ही तो तौबा। अगर गुनाह हो जाए तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेज गम होना चाहिए, इमीडिएटली गुनाह को छोड़ देना, हाँ, गुनाह को स्टॉप कर देना इंशाल्लाह, हाँ, अल्लाह ताला से माफी मांगना, अल्लाह ही तो है माफ करने वाला,
اور ارادہ کرنا کہ میں یہ گناہ پھر سے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا. کسی کا حق لے لیا ہے تو حق لوٹا دینا اور اچھے کاموں میں بزی ہو جانا تاکہ آپ سنسیئر توبہ تک پہنچ جاؤ. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاک رہنے والوں میں سے بنا. اگر کسی کی پچھلی کلرز آف اسلام کی ایپیسوڈز چھوٹ گئی ہے تو ساری کی ساری پچھلی ایپیسوڈز کو ضرور دیکھیے ہمارے موبائل ایپلیکیشن میں. آئی پلس ٹی وی سرچ کریے اینڈرائڈ میں یا ایپل فون میں, اور اس میں کلرز آف اسلام کی اور باقی سارے پروگرامز کی آپ ساری ایپیسوڈز انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. لائیو ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کلرز آف اسلام. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.